राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो शेष शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। हिंदू धर्म में भोलेनाथ के साथ उनकी वह नंदी की पूजा का बड़ा महत्व है। हर शिवालय में भगवान शिव के सामने ही उनकी सवारी नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। भोले बाबा के दर्शन की तरह ही नंदी के दर्शन पूजन को जरूरी माना जाता है। शैव ग्रंथों में महादेव के वाहन नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नंदी भगवान शिव के खास गुणों में से एक हैं। इनका एक स्वरूप महिष है, जिसे हम बैल भी कहते हैं। मंदिर में शिव जी की पूजा के साथ नंदी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो शिव जी की पूजा का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया थे कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। तो आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जा करके तीन अक्षर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आप सबको लिखने में आसानी रहे वो जरूर लिखें। अब क्यों कहते हैं हम नंदी की पूजा क्यों होती है भगवान शिव के साथ? किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ से पहले नंदी महाराज की पूजा का विधान है, और कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको नंदी जी का ही शिव आप सबको नंदी जी बने हुए मिलेंगे। ग्रंथों के अनुसार अक्सर ध्यान में ही लीन रहने वाले महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था। यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहता है तो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद से जब भी कभी भी भोले बाबा तपस्या ध्यान मुद्रा में लीन होते तो माँ पार्वती भी अपनी बातों को नंदी के ही कान में कहती थी। इसलिए लोग शिव के बजाय नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहती। नंदी को शिव दरबार का द्वारपाल भी माना जाता है। इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुंच पाता है। जिस तरह भगवान राम के साथ हनुमान जुड़े हैं, उसी तरह भगवान शिव के साथ नंदी जुड़े हैं। जिस तरह हनुमान की पूजा करने से भगवान श्री राम की कृपा मिलती है, उसी तरह नंदी की पूजा करने से देवों के देव महादेव की कृपा मिलती। इसलिए शिवालयों में प्रवेश करने पर भोलेनाथ के साथ नंदी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें। किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दीजिए। व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व होता है। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने मुख के हाथों से ढक लें, ताकि कोई आपको बोलता हुए सुन ना सके। आपकी मनोकामना गुप्त रहनी चाहिए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा चाहने वाली बातें ना करें, ऐसी मनोकामना ना करें। जब आपकी मनोकामना नंदी को बोले तो उनके सामने कुछ भेंट जैसे फल फूल प्रसाद आदि भी अर्पित अवश्य करें। तो इस तरह से नंदी के आपको बाएं कान में आपको केवल तीन अक्षर बोल देना, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये बोलने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसे भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए केवल बाएं नंदी जी के बाएं कान में बोल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत शिव जी के पास पहुंच जाएगी। आपको उनके कानों तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नंदी के कानों में कोई भी बात कह रहे हैं, मनोकामना कहने के क्या क्या नियम है? नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, लेकिन बाएं कान में कहा जाता है कि जल्दी मनोकामना पूरी होती है। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें, ताकि आपको कोई देख ना सके। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी की बुरा कहने की बातें, बुरा सोचने की बातें ना कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोले तो उनके सामने कुछ भेंट अर्पित करें। आप नंदी जी को फल प्रसाद कुछ भी धन अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको कोई भी मनोकामना बोलनी है। नंदी जी का जो गायत्री मंत्र है ये बोल दीजिए आप, और आप अपनी मनोकामना बोल देना। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी जो भी आप चाहेंगे। तो जो नंदी जी का गायत्री मंत्र है वो ध्यान से सुनिए क्या है।
ओम तत्पुरुषाय विदेहे नंदकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभरु प्रचोदयात। तो ये जो नंदी जी का गायत्री मंत्र है, वो सुबह से सूर्योदय से पूर्व उठकर ही नंदी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, नंदी जी की मुस्कुराती प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए और फिर शुरुआत में 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे, मंत्र जाप मन में ही किया जाना चाहिए। 5 दिन 11 बार और छठे दिन से इसे 21 बार जाप करना है। हर 5 दिन आपकी इसकी संख्या बढ़ाती जाना है और इस मंत्र के जाप करने से आपकी तीव्र बुद्धि होगा, ज्ञान का संचार होगा, शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा पाने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस मंत्र के जाप से वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव।